वेलकम स्टूडेंट्स सो इस वीडियो में हम एम ए इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आप अपनी डाउट्स फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जो है आप पूछ सकते हैं जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको ठीक लगे या आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप हो और अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत है एम इंग्लिश के तो आप व्हाट्सएप पे मुझे नोट्स के लिए जो है मैसेज कर सकते हैं एंड दीज नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट दीज आर पेएबल एंड एक मिनिमम अमाउंट जो है वो चार्ज की जाएगी आपसे तो आप नोट्स के लिए भी पूछ सकते हैं प्लस बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस को जो एम ए इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस किए गए हैं तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल डू सब्सक्राइब इट और आप वो फ्री वीडियोज़ देख के जो है अपने एम इंग्लिश को जो है और ईजी बना सकते हैं प्लस अगर आपको नीड हो तो आप पेड मटीरियल भी हमसे ले सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो टॉकिंग अबाउट एम ए इंग्लिश सिलेबस फर्स्ट ईयर में आपके पास चार सब्जेक्ट्स होंगे एम ई जी वन टू थ्री एंड फोर फर्स्ट जो है वो है ब्रिटिश पोइट्री अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो दिए गए हैं वेर एज सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको चूज़ करने के लिए कहेंगे जहाँ पे जो एम ई फाइव है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और बाकी तीन आप चूज़ कर सकते हो तो फर्स्ट आपका ब्रिटिश पोइट्री है ब्रिटिश पोइट्री में जो है ब्लॉक्स डिवाइड किए गए हैं फर्स्ट ब्लॉक में जो है वो ऑरिएटेशन फ़ॉर द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड मेडिवियल पोइट चौसर की पोइटरीज है तो वेरियस यूनिट्स साइज इसकी फर्स्ट से लेके सेवन तक जिसमें से आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट थ्री टू सेवन जहाँ से एज ऑफ चौसर स्टार्ट होती है और चौसर की पोइट्रीज हैं कुछ फिर उसके बाद जनरल प्रलॉग है कैंटबरी टेल्स का दैन स्टडी ऑफ द नन प्री स्टेल एंड द स्टडी ऑफ द नन प्री स्टेल टू तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है अब जो सेकेंड ब्लॉक है जहाँ पे आपको स्पेंसर की पोइटरीज पढ़नी है यहाँ पे आप रेनसा एज पढ़ोगे स्पेंसर पढ़ोगे और स्पेंसर की कुछ पोएट्रीज पढ़ोगे अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और ये भी बहुत ईजी पार्ट है और इनके जो जनरल वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी सो so, आप वो सुन के जो है इस पार्ट को क्लियर कर सकते हो मूविंग फर्दर जो ब्लॉक थ्री है ब्लॉक थ्री में मेटाफिजिकल पोइट्स हैं और इसके अंदर जो आपका पोर्शन है उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर यूनिट सिक्सटीनथ में से आता है जो एंड्रयू मार्वल की पोइटरीज़ है एंड फिर उसके बाद आपका जो यहाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वो जॉन डन की पोइटरीज़ है और यहाँ पे जो है आपको मेटाफिज़िकल पोइट्स की काफ़ी सारी पोइट्रीज़ मिलेंगी अगर आप अपनी इग्नू की बुक खोलोगे तो बहुत सारी पोइटरीज़ हैं यहाँ पे सो so, आपको जो है उसे देख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बहुत मेजर मेजर जो है पूछा जाता है और वो सारी हम चैनल पे कवर करेंगे फिर ब्लॉक फोर में आपके पास रेनिसा पोएट्स हैं मिल्टन पढ़ोगे आप यहाँ पे लेट रेनिसा मिल्टन लाइफ एंड उनकी मेजर पोएट्रीज आगे देखते हैं ब्लॉक फाइव में आप पढ़ोगे ड्राइडन और पोप को ये भी इंपॉर्टेंट है देन आप पढ़ोगे ब्लेक वर्ड्स और कॉलरिज को ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आप पढ़ोगे शेली और कीट्स की ऑल इन ऑल ये सारा ब्लॉक आपका इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आपके पास आ जाएगी विक्टोरियन एज ब्लॉक एट में आपको पढ़ाई जाएगी विक्टोरियन एज जहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग डी जी एंड क्रिस्टियाना जॉर्जना रोजिटी एंड ऑस्कर वाइल्डी इनकी पोइट्रीज होंगी एंड देन मॉडर्निस्ट पोएट्स आएंगे जहाँ पे आपका टी एस इलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट लैंड पोट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कोई भी स्टूडेंट एम के बाद जो है इंग्लिश लिटरेचर नेट का एग्ज़ाम देने की जो है सोच रहा है या प्लान कर रहे हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर नेट की सारी वीडियोस जो है फ़्री ऑफ कॉस्ट है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो ब्लॉक टेन में पोइट्रीज़ है मॉडर्निस्ट और कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्स की और इस ब्लॉक के साथ टेंथ ब्लॉक के साथ आपका ये जो पोर्शन है ब्रिटिश पोएट्री का ये फिनिश हो जाता है फिर आता है हमारे पास एम ई टू अब एम ई टू जो है वो बहुत इजी है और एम ई टू बहुत स्कोरिंग है ब्रिटिश ड्रामा अगर आपको आंसर्स लिखने आते हैं अब आपको लगेगा कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ समरी पढ़ लेते हैं जैसे कुछ पांच चैप्टर्स की समरी पढ़ लो क्योंकि पता यार है यार पांच क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं तो हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन आपको जो दे देता है कि कंपलसरी क्वेश्चन है और तो आप क्या करते हो कि समरी पढ़ लेते हो चैप्टर्स की और उसके बेसिस पे ही अपने आंसर्स लिख लेते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपसे कोई नया क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप इजीली लिख पाओगे तो हर चैप्टर के अंदर एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर लो ताकि आप इजीली लिख पाओ और अगर आप बहुत प्लेन और सिंपल लैंग्वेज लिखने वाले हो तो बिलीव मी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको ट्वेंटी में से वो कहीं ना कहीं जाके हाईएस्ट मार्क्स वैसे भी वो थर्टीन या ट्वेल्व देते हैं कई इग्नू वाले तो आप अगर इतना ही बुरा लिखने वाले हो तो आपको पाँच से वो सात नंबर देगा सिर्फ ठीक है और ये जो पोर्शन है ब्रिटिश ड्रामा इसके जितने भी आपको ड्रामाज यहाँ दे रखे हैं ये सभी चैनल पे एक्सप्लेन कर रखे हैं हिंदी में येस ऑल दीज ड्रामाज आर एक्सप्लेन इन हिंदी तो आप इनकी समरीज पढ़ लो एक बार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया है वो भी आप पढ़ सकते हो तो ब्लॉक वन में आपके पास है डॉक्टर फॉस्टर्स टू में मिड नाइट मिड समर नाइट्स ड्रीम थर्ड है हेमलेट फोर्थ एल्केमिस्ट फिफ्थ में प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड सिक्स पिथ्मियन सेवेंथ टी एस इलाइट की मर्जर इन द कैथेड्रल देन लुक बैक इन एंगर एंड वेटिंग फॉर गॉड इट तो ये है ब्रिटिश ड्रामा सभी के जो क्रेडिट्स हैं वो इक्वल है सभी सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स के हैं एम ई जी थ्री जो है वो है ब्रिटिश नावल अब ब्रिटिश नावल में है हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स ऑफ फाउंडलिंग प्राइड एंड प्रिजिडाइज वदरिंग हाइट्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन मिडल मार्च हार्ट ऑफ डार्कनेस अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज मैन एंड पैसेज टू इंडिया ये भी आपका ईजी सब्जेक्ट है सिर्फ प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स को वो आती है ब्रिटिश पोइट्री में और एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में अब जो आपका फोर्थ पोर्शन है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले आपको पढ़ाता है लैंग्वेज क्या है हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की कैसे आई फिर कुछ फिनेटिक्स पढ़ाएगा जैसे आप कुछ वर्ड है उसे आप प्रनाउंस करते हो ना जैसे आपने एस्पेक्ट्स पढ़ा तो ये वर्ड कैसे बना है ठीक है जैसे हिंदी में हम शब्द का उच्चारण सीखते हैं वही फिनेटिक्स होता है इंग्लिश में फिर कुछ इंग्लिश के सेंटेक्स और लैंग्वेज का यूज आएगा एंड देन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड स्टाइनिस्टिक्स अब ये सब्जेक्ट ना लगता है स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट है बट बिलीव मी अगर आप ये लास्ट के पोर्शन पढ़ लेते हो ना आप इस सब्जेक्ट में भी इजीली सेवेंटी टू एट्टी मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे जो है वो एज इट इज आपके जो बैक वाले चैप्टर्स है ना वहाँ से पूछ लेते हैं आगे चलते हैं ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पे खत्म वन टू थ्री फोर अब आता है सेकेंड ईयर का सिलेबस तो जब सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एम फाइव और ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है प्लस अगर लिटरेचर की बात करो आप नेट की जो आप एम के बाद देते हो तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म तो ये डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे जो एम में पूछता है वो सिर्फ कुछ क्रिटिक्स के बारे में बात की है क्लासिकल रोमांटिक क्रिटिक्स न्यू क्रिटिक्स मार्क्सिस्ट व्यू फेमिनिस्ट थ्योरीज डी और कंटेम्प्रेरी और सबसे इम्पोर्टेंट या फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं और उसके बाद ये थोड़े थोड़े आपको क्रिटिक्स पढ़ने हैं ठीक है तो ये सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है इसके इम्पॉर्टेंट सब जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और नेक्स्ट है अब आप, आपको चूज करना है सिक्स सेवन एथ में से जो है अमेरिकन लिटरेचर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश तो अगर किसी स्टूडेंट को जो है इंडियन राइटिंग ईजी लगती है मेनली देखो इंडियन राइटर्स जो होता है वो ईजी होता है पढ़ने में क्योंकि सिंपल सी आपको स्टोरीज़ पढ़ाएंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेवन चूज करो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है जहाँ पे सिंपल स्टोरीज़ हैं जैसे मुल्क रज आनंद की अनटचबल जो गांधी जी के बारे में बात की है राजा राव की कंथापुरा फिर मिड चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरी पोइट्री और तारा तो एक काफ़ी इजी सब्जेक्ट है आप ये चूज़ कर सकते हो उसके बाद है न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश ये भी इजी सब्जेक्ट है अगर आपको चूज करना है तो आप आई वुड से सेवन चूज़ करो एट चूज़ करो न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है इंट्रोडक्शन देन ग्रेन ऑफ वीट डांस ऑफ फॉरस्ट आइस कैंडी हाउस फॉर द बिस्वास केिबियन पोइट्री सॉलिड मेनलेडा एंड स्टोन एंजल तो ये भी काफ़ी ईजी है आप ये चूज़ कर सकते हो फिर है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर देखो जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है ना वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो ब्लॉक वन फिर ये ब्लॉक टू इतना सारा पार्ट है ब्लॉक थ्री फिर आएगा आपके पास ब्लॉक फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये काफ़ी बड़ी है तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा जो है चूज करना चाहेगा कि इतना सारा वो पढ़ेगा बैठ के राइट अगला है हमारे पास न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश एम ई जी एट इसमें भी आप देखोगे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं तो वहाँ से आपका वो बेटर था ऑप्शन चूज करना तो ये, one, right? two, three, four, तो ये भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है देखो ब्लॉक वन राइट फिर ब्लॉक टू थ्री फोर तो ये भी काफ़ी लेंदी हो जाता है है ना तो ये भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ने में तो आप वहीं से अमेरिकन लिटरेचर अपना और उसके बाद इंडियन लिटरेचर और न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश चूज़ कर लो तो ये सिलेबस आपका काफ़ी वास्ट हो जाएगा उसके बाद है अगर किसी को अमेरिकन लिटरेचर चूज़ नहीं करनी है तो आँख बंद करके आप बच्चों इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया चूज़ कर लो क्योंकि इंग, जो इंडियन राइटर्स है ना जो इंडियन स्टडीज़ है उसको पढ़ना बहुत ईजी है सिंपल आपको क्वेश्चन दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वही रिपीट होते हैं तो जैसे ब्लॉक वन में ऑल दो आपको लग रहा है कि ब्लॉक्स बड़े सारे हैं बट ये काफ़ी इजी है पढ़ना ब्लॉक वन में जैसे इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए इंग्लिश के कि जैसे इंग्लिश शुरू हुई थी और फिर उसके बाद बिगनिंग है इंग्लिश राइटिंग की फिर उसके बाद आपको जो है ब्लॉक थ्री में वो बात कर रहा है बिगनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल किस तरह से ये शुरू हुई नॉवल्स फिर डिफरेंट इंग्लिश के बारे में उसने बात करी है ठीक है फिर प्रॉब्लम्स बात करी है जो इंग्लिश जो है पढ़ाने में आती हैं ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी फिर क्वेश्चनिंग द कैनन जो अगला ब्लॉक है तो ये जो पार्ट है ना ये आपका जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इजी है उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ कैनन्स और फिर है डी कॉलोनाइजिंग द माइंड फिर है हमारे पास अमेरिकन नावल एम ई तो अमेरिकन नावल आप देखोगे कि ये भी थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी तो अमेरिकन नावल है लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी आपको नावल्स पढ़नी है सिंपल ठीक है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स सिस्टर कैरी सिस्टर कैरी के बाद है ग्रेट गैट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया और uh, uh, ये जो अमेरिकन नावल है ये चूज कर सकते हो इंग्लिश के आपके दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ से एक अमेरिकन नावल हो गया तीसरा तो ये भी बहुत ईजी है लाइट इन ऑगस्ट सिंपल समरीज पढ़नी है आपको इसमें सिर्फ इतनी आ, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ समरीज पढ़नी है यहाँ पे भी ठीक है तो ये चैप्टर्स के नाम है ब्लैक स्प्रिंग कैचर इन द र फ्लोटिंग ओपेरा और फिर नेक्स्ट हाउस मेट ऑफ डॉन देन कलर पर्पल बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कलर पर्पल एंड ये जो एम बी जी एलेवन है आपका काफ़ी काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं बहुत ईजी है जैसे आपका एम ई टू था फर्स्ट ईयर में वैसे ही आपका ये एम ई इलेवन होगा काफ़ी ईजी है फिर एम ई ट्वेल्व है कैनाडियन लिटरेचर तो कैनेडियन लिटरेचर अगर आपको चूज़ करनी है तब कैनेडा की लिटरेचर पढ़ सकते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया की थी वैसे आप कैनेडा की चूज़ कर सकते हो जहाँ पे फर्स्ट यूनिट है आपका कैनेडियन राइटिंग के बारे में फिर कैनेडियन पोइट्री है देन ब्लॉक थ्री में आपका सर्फिसिंग है फिर द टिन फ्लूट एंड द इंगश पेज पेशेंट सो ये थी कैनेडा की लिटरेचर उसके बाद कैनेडा की शॉर्ट स्टोरीज़ है दैन डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन क्रिटिसिजम अब आप आगे देखो तो आपके पास एक और है मीजी फोटीन्थ और फोटीथ है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन तो अगर किसी को ये इंटरेस्टिंग लगता हो तो वो ये चूज़ कर सकता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रा ट्रांसलेशन बैकग्राउंड स्टडीज़ दैन सेकेंड ब्लॉग है आपका यू आर अनंता मूर्ति के ऊपर और तमस देन शॉर्ट स्टोरीज देन शार्ट स्टोरी टू तो आप इस तरह से जो है अपनी मर्जी से जो तीन है यहाँ पे चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट और प्लस आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो तो कंपलसरी है तो आई वुड से आप इंडियन चूज़ करो दो और एक अमेरिकन चूज़ करो वो बहुत ईजी है एंड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट हो तो डू कॉमेंट डाउन द कामेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स एट माई व्हाट्सएप नंबर एंड अगर किसी को किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हो एंड द नोट्स आर पेएबल नोट्स की एक मिनिमम अमाउंट है बहुत कम पैसे जो है चार्ज किए गए हैं तो आप नोट्स भी खरीद सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो डो सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स